आज ना कुड़ी सिक्के चलो फिर दालो टॉपिक आज का उत्तराखंड इतिहास में पहला राजवंश कुणिंद कुणिंद राजवंश उत्तराखंड के इतिहास का पहला कालखंड जिसको कि हम कुणिंद राजवंश के नाम से जानते हैं। कुणिंद राजवंश उत्तराखंड के इतिहास का प्रथम पहला राजवंश जो है उसको कहते हैं कुणिंद राजवंश। कब से कब तक चलेगा तब याद रखना, महाभारत काल से मतलब जो ऐतिहासिक सोर्स मिले हैं इसके उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत काल से और 330 एडी तक, हो सकता है 330 की जगह कुछ और प्रमाण भी मिल जाए, कुछ और किताबों में और 300 लिखा हो, 350 ईस्वी तक लिखा हुआ हो, लेकिन जनरली जो कुणिंद राजवंश है इसकी शुरुआत महाभारत काल से हो गई और महाभारत काल से लेकर 330 एडी तक ऐसा जनरली मान सकते हैं कि उत्तराखंड पर राज करने वाला जो वंश रहा उसको आप कुणिंद राजवंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी वंश ने यहाँ पर राज किया होगा ऐसा प्रमाण ही नहीं है। हो सकता है इससे पहले भी कोई राज कर रहे होंगे लेकिन हमें नहीं पता कि इससे पहले किसी ने यहाँ पर राज किया या नहीं किया, मतलब ऐतिहासिक रूप से हमें पता ही नहीं है कि इससे पहले राज करने वाला कोई वंश हुआ या नहीं हुआ। तो इस आधार पर कुणिंद राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश कहा जाता है, उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक और इतिहास की दृष्टि से भी ये पहला राजवंश है, इसलिए प्रथम ऐतिहासिक वंश भी इसी को कहेंगे। ऐतिहासिक मतलब इतिहास में वर्णित और राजनीतिक मतलब जिसमें राजनीति दिखे, तो दोनों लिहाज से देखोगे तो प्रथम राजनीतिक या फिर प्रथम ऐतिहासिक वंश किसको कहा जाता है, कुणिंद राजवंश को कहते हैं। कुणिंद राजवंश जिसे उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश या प्रथम ऐतिहासिक वंश ऐसा आप कह सकते हो, ठीक, प्रथम राजनीतिक वंश या प्रथम ऐतिहासिक वंश ऐसा जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। अब समझना कि जब किसी भी वंश को पढ़ते हैं तो किसी भी वंश को पढ़ते समय, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सोर्स, स्रोत। तो भाई कुणिंद राजवंश का जब अध्ययन किया जाएगा तो क्योंकि राजवंश थोड़ा सा पुराना है, प्राचीन है, तो राजवंश जब पुराना हो जाता है तो पुराने राजवंशों में ये देखना आवश्यक हो जाता है कि इस राजवंश के बारे में हमें जो भी चीजें पता है वो कहाँ से पता चलती है, यानी कि हमें इस कुणिंद राजवंश के स्रोतों के बारे में पढ़ना आवश्यक है। स्रोत या फिर जो सोर्स है, इन सोर्सेज या स्रोत का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो कुणिंद राजवंश से संबंधित जो स्रोत है उन स्रोतों को भी हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक को बोलते हैं कुणिंद राजवंश के साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक का मतलब समझ गए होंगे आप क्या, लिखित, ऐसे सोर्सेस कुणिंद राजवंश से रिलेटेड जो लिखित अवस्था में है उनको कुणिंद राजवंश के साहित्यिक स्रोत कहा जा सकता है, और दूसरे प्रकार के जो सोर्स होंगे कुणिंद राजवंश के उनको अलिखित कहो या फिर पुरातात्विक कहो, ज्यादा सुटेबल रहेगा अलिखित। अलिखित का मतलब ये नहीं कि लिखे नहीं गए, लिखा तो इनमें भी है कुछ ना कुछ, लेकिन क्रमबद्धता के रूप में नहीं लिखा गया है। साहित्यिक स्रोत या फिर अलिखित या असाहित्यिक कह सकते हैं, ज्यादा सुटेबल शब्द रहेगा अगर असाहित्यिक स्रोत इसके लिए यूज किया जाएगा। असाहित्यिक उत्तराखंड में पहला जो राजवंश जो राज करता है इस राजवंश को कुणिंद राजवंश के नाम से जाना जाता है, और कुणिंद राजवंश के जो सोर्स हैं उनको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है कुणिंद राजवंश के साहित्यिक स्रोत और कुणिंद राजवंश के असाहित्यिक। असाहित्यिक का मतलब यह है जो किसी पर्टिकुलर किताब में नहीं लिखा गया है उसको आप असाहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रख सकते हो। जरा समझना, साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन सी वो पुस्तकें हैं जो कि हमें कुणिंद राजवंश के बारे में जानकारी देती है, तो सबसे पहली किताब है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये पहली किताब है जो आपको कुणिंद राजवंश के बारे में कुछ ना कुछ कहेगी, चाहे कम कहेगी लेकिन जरूर कहेगी। अष्टाध्यायी कुणिंद राजवंश का एक ऐतिहासिक ग्रंथ या ऐतिहासिक साक्ष्य आप मान सकते हैं अष्टाध्यायी नामक की पुस्तक को। कौन राइटर है, पाणिनि। तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी नामक इस किताब में कुणिंद राजवंश के बारे में थोड़ा बहुत ही कुछ जो जानकारियां है वो प्राप्त हो जाती है। अष्टाध्यायी के अलावा दूसरी जो किताब है जो इस राजवंश के बारे में कुछ जानकारी देगा, इस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दूसरी पुस्तक है जो आपको कुणिंद राजवंश के बारे में कुछ जानकारियां प्रोवाइड कराएगी, जो कुछ बताएगी आपको इस राजवंश के बारे में। किसने लिखी थी अर्थशास्त्र की किताब, कौटिल्य, हाँ, विष्णुगुप्त, चाणक्य, जो भी नाम कहोगे। तो इस अर्थशास्त्र में भी
कुनिंदों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां हमको प्रोवाइड होती है। और तीसरा जो ऐतिहासिक साक्ष्य माना जा सकता है वह विष्णु पुराण माना जा सकता है। हालांकि विष्णु पुराण को जनरली हम लोग देखेंगे तो विष्णु पुराण को जो है ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वह एक प्रकार का ब्राह्मण साहित्य है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही समझना वहाँ पर कि विष्णु पुराण में भी कुछ एक थोड़ा बहुत ही वर्णन कुणिंद राजवंश के संबंध में आता है। और एक और किताब जो कुणिंद राजवंश के बारे में जानकारी देती है वह महाभारत है। महाभारत, महाभारत में भी कुणिंद राजवंश और उसके राजाओं का कुछ ना कुछ उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे स्रोत हैं उत्तराखंड में कुणिंद राजवंश के, जिन स्रोतों के आधार पर हम कुणिंद राजवंश का अध्ययन कर सकते हैं। कुणिंद राजवंश के असाहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांट देते हैं। एक है कुणिंद राजवंश से संबंधित अभिलेख और एक कुणिंद राजवंश से संबंधित मुद्राएं। और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो मुद्राएं ही वो चीज है जिसके आधार पर हम पूरा का पूरा कुणिंद राजवंश पढ़ लेते हैं। मुद्राओं के आधार पर ही इस कुणिंद राजवंश के बारे में अधिक से अधिक चीजें हमें प्राप्त होती, ना तो इतने अभिलेख मिले हैं जिसके आधार पर कुणिंद राजवंश को पढ़ा जा सकता है, ना ही साहित्य में साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत इतना कुछ लिखा गया है कि इस राजवंश को पढ़ा जा सकता है। मुद्राएं ही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके आधार पर हम इस पूरे राजवंश को पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी समझना कि अभिलेखों में चार अभिलेख तो बरहूत से प्राप्त हुए हैं, ये कुणिंदों के नहीं है, इनमें कुणिंद शब्द का उल्लेख किया गया है, कुणिंदों के बारे में कुछ जानकारियां मिली, कुणिंदों के अभिलेख नहीं है। बरहूत स्तूप जो है, बरहूत के जो अभिलेख है वो पुष्यमित्र शुंग के हैं, और पुष्यमित्र शुंग के बरहूत अभिलेख से भी हमें थोड़ा बहुत ये पता चलता है कि जब भारत में पुष्यमित्र शुंग था उस समय यहाँ पर कुणिंद राजवंश के राजा लोग राज कर रहे थे। तो बरहूत अभिलेखों का संबंध किससे है, तो आप क्या कहेंगे, कुणिंद राजवंश से। वैसे वो है किसके, पुष्यमित्र शुंग के। चार बरहूत अभिलेखों के अलावा कालसी अभिलेख भी, वो अभिलेख अब जैसे कालसी है किसका, अशोक, लेकिन जानकारी किसके बारे में दे रहा है, कुणिंदों के बारे में, कि अशोक के टाइम पे यहाँ कौन राज कर रहा था, कुणिंद। तो कालसी अभिलेख भी वो अभिलेख है जिससे हमें कुणिंद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और शुंग काल का एक अभिलेख है मथुरा से प्राप्त होता है, मथुरा अभिलेख, इससे भी हमें कुणिंद राजवंश के बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। तो अभिलेखों में ये तीन अभिलेख हैं जो कुणिंद राजवंश के बारे में जानकारियां प्रोवाइड करवा रहे हैं, तीन अभिलेख जो कुणिंद राजवंश के बारे में जानकारियां प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मुद्राएं बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा राजवंश ही हम मुद्राओं के आधार पर पढ़ेंगे, कुणिंद राजवंश की कहानी ही मुद्राओं के आधार पर स्टार्ट होती है। इन सारी चीजों के आधार पर हमें ये पूरा का पूरा कुणिंद राजवंश पढ़ना। ऐसा माना गया कि महाभारत से पुराना अभी तो कोई ऐसा साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है जो कि किसी वंश के बारे में जानकारी दे, और इस महाभारत में जिस वंश के बारे में जानकारी दी गई है वो कुणिंद है। इतनी बात तो क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि एज ए वंश अगर सबसे पहले इतिहासकारों ने किसी वंश का नाम उत्तराखंड में लिया है तो वो कुणिंद वंश है जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि कुणिंद वंश के राजा लोग यहाँ पर राज करते थे। लेकिन समझना ये है यहाँ पर, क्योंकि आयोग में भी बार बार जो है प्रश्न कुणिंद वंश से थोड़े से पहले के पूछे जा रहे हैं कि कुणिंदों के उत्तराखंड पर राज करने से पहले यहाँ पर कौन राज कर रहा था या कौन रहता था। तो छोटा सा टॉपिक है, इसी टॉपिक के अंदर समझ जाएंगे, फिर यहीं से हमारी कुणिंद वंश की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के इस भूभाग पर जहाँ पर आज हम लोग रहते हैं, इस क्षेत्र पर रहने वाली जो सबसे पहले शक्ति तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन जो सबसे पुराने लोग यहाँ पर निवास करते थे उनको इतिहास में नाम दिया गया है कोल। क्या नाम बोलते हैं उनको, कोल जाति को उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति माना जाता है। ऐसा माना जाता है, जनरली भारत के अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता है कि भारत में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको वैदिक संस्कृति के बाद उत्तर वैदिक काल में दो भागों में बांट दिया गया। एक को बोला गया आर्य, एक को बोला गया अनार्य। आर्य जनरली उनको बोला गया जो मध्य एशिया से यहाँ पर आए थे, लेकिन कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं कि उनका मत ये है हम कहीं से नहीं आए, हम भारत के ही आदि निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो ऐसे ही उत्तराखंड की इस धरती पर रहने वाले जो सबसे प्राचीनतम लोग हैं, सबसे पूरा जो प्रजाति है उसे नाम दिया जाता है कोल। कुछ इतिहासकारों ने कोल के लिए मुंड शब्द का प्रयोग किया है, कुछ इतिहासकारों ने इसी कोल के लिए सबर शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन पेपर में जब कभी प्रश्न आए तो आप आंसर देंगे कोल। उत्तराखंड में निवास करने वाली क्या लिखोगे, सबसे प्राचीनतम जाति, सबसे प्राचीनतम जाति कोल है। सबसे प्राचीन आदिम जातीय समुदाय कोल है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन पूरा प्रजाति ये भी कोल है। चाहे जो मर्जी बोलो, आंसर घुमा फिरा करके एक ही निकलेगा, कोल जो है उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति है, कोल उत्तराखंड की सबसे प्राचीन आदिम जाति मानी जाती है,
कोल उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति, सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है, यानी उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे जो प्राचीनतम जाति थी उसको किस नाम से जाना गया, तो कहेंगे कोल के नाम से जाना गया। कोल सबसे पहले जो यहां पर निवास करते थे उनको कोल कहा गया। कोलों के बारे में कुछ प्रथाएं जो प्रचलन में है, कुछ बातें, जैसे कि इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता था, ये उत्तराखंड के तराई भूभाग में निवास करते थे, अंधविश्वास में बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, जागर गाते थे, ऐसी कुछ बातें इनके बारे में कही जाती है। लेकिन सबसे पहले निवास कौन करता था यहाँ पर, कोल करते थे। अब हुआ क्या कि कोल जाति के लोग यहाँ पर निवास करते थे, इसी बीच उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति पूछेगा तो क्या कहेंगे, कोल। यहाँ पर निवास करने वाली सबसे प्राचीनतम जाति तो भी क्या कहेंगे, कोल। इसी बीच उत्तराखंड पर आक्रमण किया जाता है एक जाति के द्वारा, और उस जाति को बोलते हैं किरात। यानी आक्रमण करने वाली पहली जाति कौन सी है, किरात। या कोलों के बाद उत्तराखंड पर किसका अधिकार हो गया, तो क्या कहेंगे, तो ऐसा कहते हैं कि किरातों ने आक्रमण किया, और किरातों ने जब उत्तराखंड पर आक्रमण किया तो किरातों के आक्रमण के पश्चात किरातों ने कोल जाति के लोगों को अपना दास बना दिया। कोल जाति के जो लोग हैं उनको अपना दास बना दिया। किरात थोड़ा सा उच्च हो गए, कोल थोड़ा सा नीचे हो गए, ठीक। तो इसके बाद कौन से आते, किरात। और ये किरात परिवार के जो लोग हैं जनरली इनको मंगोल परिवार की एक शाखा माना जाता है, और मंगोल परिवार की शाखा का मतलब है जो आज हमारे पास भोटिया जनजाति है, ये भोटिया जनजाति जो है वो भी किरात परिवार से ही आती है, मंगोल परिवार से ही आती है, चाहे वो राजी जनजाति है। उत्तराखंड की अधिकांशतया जो जनजातियां हैं वह किरात समुदाय से ही बिलोंग करती है। तो पहले कोई यहां पर निवास कर रहा था उसको कोल कहा गया, कोलों के बाद आने वाली जो शक्ति थी उसको क्या नाम दिया गया, किरात नाम दिया गया, और ये मंगोल परिवार से बिलोंग करते थे। किरातों के बारे में कुछ प्रचलित जो तथ्य है कि कृषि पर ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, व्यवसाय इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो व्यापार होता था, व्यापार, और अपना जो कृषि कार्य है वो कोलों से करवाते थे, मतलब कोलों को उन्होंने अपने से नीचे कर दिया और अपने आप कोलों से थोड़ा सा ऊपर चले गए। तो ऐसी कुछ बातें जो है किसके बारे में प्रचलन में है, किरात के बारे में। सबसे पहले निवास करते थे कोल, और कोल के बाद यहां पर कौन आ गए, किरात। कोलों के बाद उत्तराखंड पर राज करने वाली जो शक्ति हुई उसको बोलते किरात। कहते हैं किरातों के बाद उत्तराखंड पर राज करने के लिए, अटैक करने के लिए जो तीसरी जाति आई इसको नाम दिया गया खस, खस जाति। सबसे पहले उत्तराखंड पर किसका अधिकार था, कोल। कोल के बाद यहां कौन आए, किरात, और किरातों के बाद यह माना जाता है खस, और खसों का ही उत्तराखंड पर सबसे अधिक समय तक राज रहता है, इसलिए यहां काफी समय तक खस राजा लोग जो है वो राज करते हैं यहां पर। इसलिए कई बार तुमने देखा होगा कि उत्तराखंड को प्राचीन काल में खस देश ऐसा शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है, खसों ने बहुत समय तक यहां पर राज किया। बात को समझना कि जो पहले से निवास कर रहे थे उत्तराखंड का जो सबसे प्राचीन आदिम जाति या समुदाय था उसको नाम दिया गया कोल, कोल के बाद जो आए उनको नाम दिया गया किरात, और किरात के बाद जो आए वो खस। कोल यहां पर रहते थे, उनका अपना एक सामाजिक व्यवस्था होगा, ऑब्वियस सा बात है, अपना खुद का ट्रेडिशन होगा, और उस ट्रेडिशन के हिसाब से वो रह रहे होंगे, जैसे मर्जी चल रहे होंगे। लेकिन कहानी को यह समझना कि कहानी में ट्विस्टिंग कहां से आती है, कोल आते हैं, कोल यहां पर निवास करते हैं, और यहां पर निवास करने के बाद कोल की अपनी खुद की एक सामाजिक व्यवस्था थी। किरात आए, हालांकि किरातों ने कोलों को अपना दास बना दिया, लेकिन किरातों के जमाने से कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ जिसने पूरे उत्तराखंड को बदल दिया। पहली बार उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का कार्य कौन करता है, खस करते हैं। जब खस आए तो खसों ने अपने दास बना दिए किरातों को, और किरातों के भी जो दास है कोल, वो सबसे निम्नतम वर्ग अब माना जाने लगा। अब सबसे निम्नतम वर्ग किसको मानने लगे, कोल को, और सबसे ऊपर कौन आ गए, खस। तो खस जो है, जनरली खसों के बारे में कहा जाता है कि मध्य हिमालय की एक उदंड जाति, जो सैनिक होते थे, लड़ाकू होते थे, युद्ध करते थे सेनाओं में, बहादुर होते थे बड़े, तो किरातों को बड़े इजीली उन्होंने दबा दिया, कोलों को बड़े इजीली उन्होंने दबा दिया, और अपने आप जो है कि सबसे ऊपर बैठ करके और राज करने लगे। तो क्योंकि खस शक्तिशाली थे, इसलिए खसों के द्वारा पहली बार उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाया जाता है, और कुछ नई सामाजिक व्यवस्थाएं उत्तराखंड के इतिहास में जुड़ जाती है जो ट्रेल के शासन काल तक चलती रहेंगी। तो एक छोटा सा टॉपिक लिखना इस पर, खसों के द्वारा प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाएं उत्तराखंड में, खसों के द्वारा प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाएं, खसों के द्वारा प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाएं, और इसी सामाजिक व्यवस्था का वर्णन अलग अलग जगह पर आते रहेगा। जब कभी भी हम इतिहास पढ़ेंगे उत्तराखंड का, तो खसों के द्वारा प्रचलित इस सामाजिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी प्रकार से उल्लेख जरूर आएगा। तो खसों के द्वारा प्रचलित ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, इन सामाजिक व्यवस्थाओं में सबसे पहली सामाजिक व्यवस्था जिसका जन्म खसों के आने से होता है, उसे बोलते हैं घर जमाई की प्रथा। सबको पता है ना, खसों ने क्या प्रथा चलाई कि अगर हम दुल्हन लेके आएंगे तो दुल्हन तो हमारे घर में आएगी, क्योंकि किरात के परिवार से आ रही होगी या कोल के परिवार से आ रही, तो दुल्हन तो हमारे घर में आएगी।
लेकिन हम अपनी बेटी को अपने घर से और किरात या कोलों के घर में नहीं भेजेंगे, एक प्रथा प्रारंभ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं घर जमाई, नॉर्मल प्रथा है, सबको पता। दूसरी प्रथा जो खसों के द्वारा उत्तराखंड में प्रारंभ करी गई, इसको बोलते हैं जेठा प्रथा। खसों के द्वारा उत्तराखंड में प्रारंभ करी गई दूसरी जो प्रथा है, इस प्रथा को नाम दिया गया जेठा प्रथा। जेठा प्रथा क्या होती है, तो बार बार जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो जेठा शब्द आते रहेगा। जेठा प्रथा का मतलब है किसी भी पिता के ज्येष्ठ पुत्र का संपत्ति पर सबसे ज्यादा अधिकार रहेगा। राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही राजा का उत्तराधिकारी होगा। इन केस राजा का बड़ा पुत्र अगर डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके भाई को राजा नहीं बनाएंगे, उसके बेटे को राजा बनाएंगे। कैसे, जैसे मान लो कि ए नाम का एक राजा है, इसके दो बेटे हैं बी और दूसरे बेटे हैं सी। बी इसका बड़ा बेटा है तो राजा कौन बनेगा, बी। अगर डेथ हो जाती है बी की, तो बी के बाद सी राजा नहीं बनेगा। कारण क्या है, क्योंकि तब बी का बेटा डी तो कभी राजा बन ही नहीं पाएगा ना, फिर तो सी का बेटा ही राजा बनेगा। इसलिए यदि बी की डेथ हो जाती तो डी को ही राजा बनाएंगे, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र जो होगा, और गांव में तुमने देखा भी होगा कि ज्येष्ठ पुत्र को ही सबसे ज्यादा संपत्ति में अधिकार दिया जाता है ना। जब गांव में दादाजी की डेथ होती है तो जो बड़ा वाला भाई होता है ताऊजी, सबसे बड़े ताऊजी, तो बड़ा खेत ताऊजी को ही मिलता है ना संपत्ति पर अधिकार। तो ये प्रथा जो है चल रही है खस शासन काल। तीसरी प्रथा का नाम है झटेला प्रथा। झटेला प्रथा ये भी खसों के टाइम पीरियड से प्रारंभ करी गई एक प्रथा है। झटेला प्रथा, झटेला एक व्यक्ति होता था ना झटेला, और झटेला को संपत्ति में अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए, क्या होता है झटेला, जरा समझना इसको। कैसे समझेंगे कि मान लो एक है पिता और एक है माता, तो माता पिता से भला अच्छा है कि एक पति है, पति का नाम मान लो ए है, और पति की पत्नी है, पत्नी का नाम है बी, और इनका एक बेटा है, बेटा का नाम है सी। समझ गए, इनका अपना परिवार है। पति देव की हो गई मृत्यु, पति की मृत्यु हुई, अब बच गए यहाँ पत्नी और बेटा सी, तो एक ही मृत्यु हो गई। अब ऐसे में पत्नी जो है नई शादी कर लेती किसी और से, तो तब पत्नी का पति सेकंड नंबर पति ना, इसको सेकंड लिख लेता हूँ मैं, पति सेकंड, तो पति सेकंड का नाम मान लो है डी। तो पत्नी जब नए पति से शादी करेगी, मतलब नए आदमी से शादी करेगी, तो बेटा को भी लेके जाएगी अपने साथ, चलो भाई बेटा। तो ये जो बेटा था, पूर्व पति का जो बेटा था, इसको बोला जाता था झटेला। और इस झटेला को संपत्ति में अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि इसका अधिकार तो कहीं और है ना, तो खसों ने ये प्रथा चलाई कि झटेला को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा, और इस प्रथा को नाम दिया गया झटेला प्रथा। किसके टाइम पे प्रारंभ होती है, तब कहेंगे झटेला प्रथा खसों के टाइम पे प्रारंभ होती है। एक अजीब सी प्रथा, और ये प्रथा को ट्रेल प्रतिबंधित करता है बाद में, इसको बोलते हैं टेकुआ प्रथा। कभी प्रश्न आए कि टेकुआ प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, तब आप आंसर देंगे कि टेकुआ प्रथा पर प्रतिबंध ट्रेल के द्वारा लगाया गया। अजीब ही प्रथा थी, प्रथा का नाम था टेकुआ प्रथा। अब ये टेकुआ प्रथा क्या होती है, जरा इसको समझना। टेकुआ प्रथा को भी उदाहरण से समझो। पति है, पति का नाम है ए, पत्नी है, पत्नी का नाम मान लेते हैं बी, ठीक है, परिवार बेटा बेटा के यहाँ पे कोई इशू नहीं है। एक पति है, एक पत्नी है, मान लो कि पत्नी का एक और पति भी है, पर पति को पता नहीं है, इसका नाम डी है। मान लो पति को अगर पता नहीं, इसको उपपति बोल सकते हैं, एक व्यक्ति ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, हाँ, अगर इस पत्नी का कोई और, मतलब अपनी सेटिंग है कोई, मतलब शॉर्ट में अगर बोले, हाँ ऐसा बोल सकते हैं ना, और पति को कभी पता चल जाए कि पत्नी का किधर कोई सेटिंग चल रहा है, पति तलवार निकाल के चले और इस उपपति की अगर हत्या कर दे, मार दे इसको, तो ये कोई अपराध नहीं था। टेकुआ प्रथा के तहत इसको वैलिड माना जाता था। और बड़ी अजीब सी बात है कि अंग्रेजों के आते आते ये प्रथा चलती रही। अगर पति अपनी पत्नी के उपपति की हत्या कर दे तो वो अपराध नहीं था, कोई भी पति अपनी पत्नी के उपपति की हत्या कर सकता था। फिर ट्रेल आया, ट्रेल ने कहा भाई ये क्या चल रहा भाई इधर ना, बोला अपराध तो अपराध है, ये हत्या कर सकता था उसकी, राजाओं ने खसों ने अधिकार दे दिया। तो फिर ये प्रथा को बाद में बंद कर दिया जाता है ट्रेल के द्वारा। लेकिन समझना कि टेकुआ प्रथा जो है इसका जन्म किसके शासनकाल में होता है, खसों के शासनकाल में। ये कुछ प्रथाएं थी जो खसों के टाइम पीरियड पे चलती है। बाकी उत्तराखंड में राज करने वाली, उत्तराखंड में निवास करने वाली जो सबसे प्राचीनतम जाति थी कोल, कोलों के बाद वहां पर किरात आए, किरातों के बाद वहां पर खस आए, खसों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, खसों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया, उनमें से जो चीजें हमें आज अच्छी लगती है उसको चलाते रहते, जो अच्छी नहीं लगी वो समय समय पर बंद होती रही। और कोल, किरात, खसों के बाद उत्तराखंड पर राज करने वाला जो वंश हुआ उसको आप नाम देते हैं खस, खसों के बाद जो वंश करने वाला जो राजवंश हुआ उसको नाम देते हैं कुणिंद। और कुणिंदों के समकालीन संभवतः ऐसा भी कहा जाता है उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र में कुछ नागवंशी राजा भी यहां पर राज कर रहे थे। लेकिन नागवंशी जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे आएंगे। तो फिलहाल हमारा जो राजवंश है, इस राजवंश का नाम है कुणिंद राजवंश। और इस कुणिंद राजवंश के बारे में ये कुछ स्रोत है जिनके आधार पर हमें इस राजवंश के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहला जो स्रोत था उसका नाम क्या लिखा था, साहित्यिक स्रोत।
और साहित्यिक स्रोतों में पहला साहित्यिक स्रोत क्या था? अष्टाध्यायी। तो क्या लिखोगे? अष्टाध्यायी में एक आधे कुछ फैक्ट लिखना। अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में, अष्टाध्यायी में चौथवीं तथा पांचवीं शताब्दी में, चौथी तथा पांचवीं शताब्दी में, चौथी तथा पांचवीं शताब्दी में उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों पर, चौथी तथा पांचवीं शताब्दी में उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों पर, शताब्दी का मतलब डिकेड्स पूरा ना, शताब्दी पूरा, शताब्दी में उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों पर कुणिंद शक्ति के राज का प्रमाण मिलता है कि कुणिंद शक्ति दशक हो गया, सेंचुरी, सेंचुरी ठीक। उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों पर कुणिंद शक्ति के राज करने का प्रमाण प्राप्त होता है। उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों का, कुणिंद शक्ति का उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों पर राज करने का प्रमाण प्राप्त होता है। कौन सी किताब से? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी के बाद दूसरी किताब कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में इस किताब में भी, और अर्थशास्त्र किसने लिखी है? विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने। और चाणक्य किस वंश के समय हुआ था? मौर्य वंश के समय। तो मतलब बहुत ऑब्वियस सा बात है कि मौर्यों के टाइम पीरियड में यहां पर कुणिंद रहते होंगे, इस किताब से पता चलता है। क्या लिखोगे? अर्थशास्त्र में कुणिंदों के लिए कुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। कुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में, कुणिंदों के लिए कुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। कुणिंद शब्द का प्रयोग किया गया है मतलब अर्थशास्त्र, मैंने मौर्य वंश के समय पर भी यहां पर कुणिंद रहते होंगे, ऐसा प्रमाण हमें थोड़ा बहुत ही मिल रहा है। अगली किताब कौन सी थी? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भी कुणिंद राजवंश के द्वारा यहां पर राज किए जाने का उल्लेख मिलता है। और विष्णु पुराण में कुलिंदों के लिए जो शब्द लिखा गया है वो है कुलिंदोपश्य। कुलिंदोपश्य, कुलिंदोपश्य शब्द का प्रयोग कुणिंदों के लिए किया गया है। किताब का नाम क्या है? तो किताब का नाम है विष्णु पुराण। महाभारत बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि प्रारंभिक कुणिंद शासकों के बारे में जानकारी महाभारत से ही मिलती है। और महाभारत में कुणिंदों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है द्विज। द्विज, महाभारत में कुणिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तब आप कहेंगे द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत में कुणिंदों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द है द्विज। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा, कुणिंदों के लिए महाभारत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तब आप सीधा सीधा कहेंगे द्विज शब्द का प्रयोग महाभारत में कुणिंदों के लिए किया गया है। इसके अलावा ये कुछ शब्द हैं, और इन शब्दों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुणिंद राजवंश के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हमें मिल रही है विष्णु पुराण से, महाभारत से। यानी महाभारत काल में भी यहाँ पर कौन रहते होंगे? कुणिंद रहते होंगे। ठीक, दूसरे अलिखित स्रोत थे। अलिखित स्रोतों में क्या था? अभिलेख। अलिखित स्रोतों में अभिलेखों का उल्लेख किया गया था। तो चार अभिलेख जो है वो भरभूत से मिलते हैं, एक मथुरा से मिलता है, और एक कालसी अभिलेख देहरादून से, कालसी अभिलेख। इन अभिलेखों में भी कुणिंदों के बारे में कुछ ना कुछ शब्द लिखा हुआ है। ये जो ऊपर के दो अभिलेख है ये शुंग काल के हैं, यानी जब भारत में शुंग काल चल रहा होगा तब भी यहां पर किसका राज रहता होगा? कुणिंदों का राज रहता होगा, ऐसे प्रमाण यहां से मिलते हैं। और कालसी जो अभिलेख है, इस कालसी अभिलेख से हमें कुणिंदों के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है। क्या? तो पहले पॉइंट लिखना, कालसी अभिलेख में कुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। कुलिंद शब्द का प्रयोग कालसी अभिलेख में किया गया है। कालसी अभिलेख की खोज किसने करी थी? किसने? फॉरेस्ट, ई जॉन फॉरेस्ट, जॉन फॉरेस्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा कालसी अभिलेख की खोज करी गई थी 1860 में, है ना। 1860 में जॉन फॉरेस्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा ये कालसी अभिलेख ढूंढा गया। और ये जो कालसी अभिलेख है, इस कालसी अभिलेख में कुणिंदों के लिए कुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हमने अभी तक करी है, इन चीजों के आधार पर, ये जो जितनी भी चीजें करी है इन चीजों के आधार पर हम कुणिंद राजवंश का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब एक किताब में सिर्फ कुणिंद लिख दिया, एक अभिलेख में कुलिंद लिखा है, क्या पता है? बस यहां से तो सिर्फ इतना पता चल रहा है कि इस राजवंश का यहां पर अस्तित्व था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो भी चीजें हमें मिल रही है यहां से, इन चीजों के आधार पर आप क्या बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, विष्णुगुप्त उसके टाइम पे कुणिंद रहते होंगे, अशोक के समय कौन थे? आप कहेंगे कुणिंद रहते होंगे। तो फिर क्या, बाकी की जानकारी कैसे मिलेगी?
तो इस राजवंश के बारे में सबसे ज्यादा जो आपको जानकारी प्राप्त होती है कुणिंदों के बारे में, तो कुणिंदों के बारे में जानकारी देने का सबसे बड़ा और सबसे सशक्त माध्यम है कुणिंद राजवंश की मुद्राएं। मुद्राओं के आधार पर ही इस राजवंश का अध्ययन किया जाता है। सबसे ज्यादा मुद्राएं हमें इन कुणिंद राजवंश के लोगों की मिलती है और इसी के आधार पर हम इस राजवंश को पढ़ते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कुणिंद राजवंश के बारे में जानकारी देने का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? मुद्राएं। तो कुणिंदों की जो मुद्राएं मिली है हमको, मिले थे हमको जनरली सिक्के हैं, इनके कुछ सिक्के मिले हैं। तो ध्यान रखना कि कुणिंदों के जो सिक्के हैं, मान लो आपको कोई सिक्के मिल जाए तो सिक्के को बस देख करके, सिर्फ सिक्का देखना है और सिक्के को बस देख करके क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक जैसे सिक्कों को अलग कर दो? तो कर सकते हैं ना। जैसे मतलब आपको कुछ 25 पैसे के सिक्के दिए जाए, 50 पैसे के दे दे, 1 रुपए का दे दे, 1 रुपए का सिक्का वो दे दे 1951 वाला, और 1 रुपए का सिक्का दे दे 1980 वाला, और 1 रुपए का सिक्का दे दे आज वाला, तो पहचान में आ जाएंगे ना। आज वाला चमचमाता स्टेनलेस स्टील का होगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा थोड़ा खराने रहता है, 80 और 51 वाले ना अनाज की बाली वाला सिक्का थोड़ा सा बड़ा रहता है, 2 रुपए का सिक्का है, तो हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। श्योरली तो नहीं पता होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा नॉलेज होगा तो पता चल जाएगा। अगर सिक्का, अच्छा एक सिक्का ऐसा है, एक सिक्का ऐसा वाला है, देख रखे होंगे तुमने सिक्के ना, एक सिक्का ऐसा है, लिखा तीनों में 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, 1 रुपया, सबसे लेटेस्ट कौन सा वाला होगा? ये वाला ना, सबसे लेटेस्ट। ये तो आजकल छोटे छोटे बन रहे हैं सिक्के, तो हमें लग जाएगा यार ये मोदी सरकार के आसपास का सिक्का है। तो ऐसी हमें कुणिंदों की बहुत सारी मुद्राएं मिलती है, और कुणिंदों की जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं को हमने अलग अलग प्रकार में विभाजित किया, ये हमने किया है। हमें तो सिर्फ सिक्के मिले हैं कुणिंदों के, और कुणिंदों के जो सिक्के हमें प्राप्त हुए उन सिक्कों को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने, ये इतिहासकारों का काम है। और इस आधार पर कहते हैं कि कुणिंदों की जो मुद्राएं हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया, तब आप कहेंगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। है नहीं वो 3 भागों में? कुणिंदों की जितनी भी मुद्राएं हमें मिली है उन मुद्राओं को हमने 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया है। कुणिंद मुद्राओं के पहले प्रकार को नाम दिया है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा कॉइन्स इनको कहा गया, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। कुणिंद मुद्राओं का पहला प्रकार उसे नाम दिया गया अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा कॉइन्स नाम दिया गया। दूसरे प्रकार के सिक्कों को नाम दिया गया अमोद भूति प्रकार के सिक्के, अमोद भूति प्रकार के सिक्के। कुणिंद मुद्राओं का दूसरा प्रकार जिसे नाम दिया गया अमोद भूति प्रकार के सिक्के, और कुणिंद मुद्राओं के तीसरे प्रकार को नाम दिया गया छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। कुणिंद मुद्राओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तब आप कहेंगे कुणिंद मुद्राओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, इसके अलावा अमोदभूति प्रकार के सिक्के और छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। ये नाम इतिहासकारों ने दिए, हम लोगों ने दिए हैं कि ऐसे 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया। अब ऐसे सिक्के जो इस कैटेगरी के होंगे आप इधर डाल दोगे, ऐसे सिक्के वो कैटेगरी क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो अमोदभूति प्रकार के होंगे उधर डाल देंगे और छत्रेश्वर प्रकार के उधर डाल देंगे। अब कैसे पता चलेगा कौन सा अल्मोड़ा प्रकार का है, कौन सा अमोदभूति प्रकार का है, कौन सा छत्रेश्वर प्रकार का? तो समझना, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के वो सिक्के थे जो ताम्र धातु से बने हुए थे। ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा धातु। तांबे धातु से बने हुए जो सिक्के थे उनको आपने अल्मोड़ा प्रकार में लिख दिया। छत्रेश्वर प्रकार के जो सिक्के थे वो भी ताम्र धातु के थे, यानी तांबे के बने हुए थे। छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के भी किसके बने हुए थे? ताम्र धातु के। जबकि अमोदभूति प्रकार के सिक्के वो सिक्के थे जिनमें से कुछ तांबे के थे और कुछ चांदी के थे, यानी ताम्र प्लस रजत धातु के थे, कुछ कुछ मिश्र धातु भी थी। तो ऐसे सिक्के जो आपके तांबे और रजत दोनों के, चांदी और तांबा दोनों के हैं, उनको आपने क्या नाम दे दिया? अमोदभूति प्रकार के सिक्के। और ऐसे जो सिर्फ तांबे के थे उनको छत्रेश्वर, इनको अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा छत्रेश्वर कैसे अलग हुआ उसको थोड़ा सा समझना। अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के थे ऐसे सिक्कों में सिर्फ और सिर्फ राजा का नाम अंकित किया गया था, सॉरी राज्य का नाम। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के ऐसे सिक्के थे जिनमें राज्य का नाम अंकित किया हुआ था। ये राज्य का नाम क्या होता है भाई? तो ऐसे था सिक्का, और इस सिक्के पर किस चीज का है? तांबे का। अगर अल्मोड़ा प्रकार का है तो किस चीज का है? तांबे का। और इस पर लिखा हुआ था कुणिंदोपस्य, सिक्के पर ये लिखा है कुणिंदोपस्य, बस और कुछ नहीं, कुणिंदोपस्य। तो ये लिखा हुआ है कुणिंदोपस्य। तो कुणिंदोपस्य मतलब वंश का नाम क्या है? कुणिंद, कुणिंद वंश है। तो हमने कहा कि कुणिंदोपस्य का मतलब कुणिंद राज्य का बस नाम लिखा है, और थोड़ी कुछ लिखा है इस राज्य का, बस इतना ही तो लिखा है कुणिंदोपस्य, इतना ही लिखा हुआ है। छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में भी सिर्फ राज्य का नाम था, लेकिन कहीं कहीं पर राज्य के नाम के साथ यहां पर भगवान महात्मन छत्रेश्वर ऐसा लिखा हुआ था, तब इनको नाम दिया छत्रेश्वर प्रकार के, ऐसा लिखा हुआ था भगवान महात्मन छत्रेश्वर।
प्रकार के हैं, उन छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में भी राज्य का नाम लिखा हुआ था और राज्य के साथ छत्रेश्वर ऐसा शब्द लिखा हुआ था, तो हमने नाम दे दिया कि भाई छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के होंगे। लेकिन जो अमोद भूति प्रकार के सिक्के सबसे महत्वपूर्ण है, इन सिक्कों में राज्य का नाम, राज्य के साथ साथ राजा का नाम और राजा के साथ साथ राजा की उपाधि का भी उल्लेख किया गया था। राज्य का नाम, राज्य के साथ साथ राजा का नाम और राजा के साथ साथ राजा की उपाधि का भी उल्लेख किया गया था। तो इस आधार पर हमें थोड़ा सा लगा कि कौन सा सिक्का इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे हिसाब से, अमोद भूति प्रकार वाले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगे। तब क्या होगा, अमोद भूति प्रकार के सिक्कों में जिन राजाओं के नाम लिखे हुए होंगे ना, उन राजाओं को आप बड़े बड़े राजा मानोगे ना, ऑब्वियस सा बात है। क्यों? क्योंकि सिक्के किस चीज के, ताम्र प्लस रजत के। अगर आपको एक सिक्का मिला, सिक्का है तांबे का और सिक्का तांबे के सिक्के पे लिखा है गुल्लू, मान लो गुल्लू लिख रखा ना, लिख दिया हमने गुल्लू, एक सिक्का है और उस पर लिखा है गुल्लू, और दूसरा सिक्का ये है तांबे का, ताम्र का दूसरा सिक्का है, और सिक्का है मान लो रजत का, और रजत सिक्का में मान लो लिख रखा फ्यूली, और ऐसे बहुत सारे सिक्के मिलते हैं तुम्हें, तांबा रजत, तांबा रजत, तांबा रजत। अब हमें नहीं पता कि गुल्लू कौन था, हो सकता है गुल्लू किसी राज्य का नाम हो, गुल्लू किसी राजा का नाम हो, हो सकता है गुल्लू कुछ था ही नहीं, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है ना। पर जब बाद में बहुत सारे सिक्के मिलेंगे और उन सिक्कों में एक सिक्का जो है वो रजत का है यानी चांदी का है, तो आपसे पूछा जाए यार इनमें गुल्लू, फ्यूली, रामू, श्यामू, इन सब में सबसे प्रतापी कौन होगा, तो आप क्या बोलोगे? फ्यूली होगा। हम बोलेंगे ना सबसे प्रतापी फ्यूली होगा, क्योंकि फ्यूली ने सिक्का किस चीज का छापा है, क्या पता इसका था नहीं था, कुछ पता नहीं, प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास के बारे में इतनी जानकारियां होती नहीं वैसे, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि संभवतः ऐसा होगा। तो ऐसा ही होता है कुणिंदों के केस में, कुणिंदों के अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं, कुणिंदों के छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं, लेकिन कुणिंद मुद्राओं में अमोद भूति प्रकार के जो सिक्के हैं, एक तो वो तांबा और रजत दोनों के हैं, दूसरा यहां पर राज्य, राजा और उपाधि का नाम लिखा है। जरा मैं एक दिखा देता हूं तुम्हें अमोद भूति प्रकार का सिक्का कैसे होता है, तो ऐसे बना होता है सिक्का अमोद भूति प्रकार का, और यहां लिखा होता है श्री 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 महाराजा धीराज, एक तरफ ऐसा लिखता है महाराजा धीराज अमोद भूति महाराज, ये लिखा हुआ है महाराजा धीराज अमोद भूति महाराज। ऐसा बोलते हैं ना, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब व्यक्तियों को पेन दिया जाता है या कोई चीज दी जाती है नॉर्मली चेक करने के लिए या कुछ करने के लिए भी, तो साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहता है कि उसमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जब पेन उनके हाथ में आता है तो सबसे पहले वो अपना नाम लिखते हैं या साइन करते हैं। जब कभी भी कोई आपको पेन देगा तो एक प्रवृत्ति होती है हमारी ना, कुछ भी ना करे तो अपना नाम लिख लेते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है भाई कि कोई व्यक्ति जो है कि अगर अमोद भूति लिख रहा है तो अमोद भूति उसका खुद का नाम होगा। तो सिक्के के एक तरफ ये लिखा है महाराजा धीराज अमोद भूति महाराज, और दूसरी तरफ सिक्के के लिखा है कुणिंदोपस्य, कुणिंदोपस्य। तीनों प्रकार के सिक्कों में सबसे गजब के सिक्के कौन से होंगे? यही वाले होंगे, क्योंकि यहां महाराजा धीराज अमोद भूति महाराज लिखा है, और कोई राजा ऐसा है ही नहीं कुणिंदों का जिसके नाम के आगे महाराजा धीराज लिखा हुआ हो। तो सिर्फ इस आधार पर हम कहते हैं कि कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन होगा, नहीं तो हमें क्या पता, हमें पता ही नहीं ये राजा था भी कि नहीं था, ये भी पता नहीं, सिर्फ सिक्कों के आधार पर पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं। लेकिन अमोद भूति के नाम से ठीक पहले जो है महाराजा धीराज शब्द का उल्लेख किया गया है, इस आधार पर हम कहते हैं कि इस कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, अमोद भूति, नहीं तो और कुछ भी नहीं, कोई कहानी तो है नहीं, लिखित स्रोत तो है ही नहीं। तो दूसरे प्रकार के सिक्के थे, और दूसरे प्रकार के सिक्कों को क्या कहते थे? अमोद भूति प्रकार के सिक्के। और तीसरे प्रकार के सिक्के क्या होते थे? छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। एक छोटा सा लाइन लिखना यहां पर, मुद्राओं के आधार पर, मुद्राओं के आधार पर, मुद्राओं के आधार पर, मुद्राओं के आधार पर अमोद भूति को कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। अमोद भूति को कुणिंदों का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। मुद्राओं के आधार पर अमोद भूति को कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। क्लियर हो गया? सबसे प्रतापी राजा किसको बोलते हैं? अमोद भूति को। कारण क्या है? उसके सिक्के बड़े लाजवाब हैं, सिक्के अच्छे हैं, तो हमने कहा प्रतापी राजा अमोद भूति है। ठीक, अब देखो, अब इन सिक्कों को देखना है कि सिक्के किस प्रकार के हैं। सिक्के किस प्रकार के हैं का मतलब यह है कि इंडिया में जैसे सिक्के होते होंगे, क्या वैसे सिक्के पाकिस्तान में होते होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे सिक्के इंडिया वाले छापते हैं, क्या ब्रिटेन वाले वैसे छापते हैं? नहीं छापते होंगे, थोड़ा सा चेंज अप होगा ना। अगर कोई सिक्का आपको मिल जाए और उस सिक्के में से
जो एक रुपया है उसको मिटा दिया, भारत सरकार सब मिटा दिया, अब आपके पास सिर्फ सिक्का है ना। तो उस सिक्के की आपको पहचान करनी है किस देश का है, तो उसके लिए आपने बहुत सारे देशों के सिक्के अपने पास इकट्ठे कर दिए, और फिर आप मैच कर रहे हो किसकी तरह, यार चाइना की तरह तो है नहीं, मान लो वो आपका निकल गया श्रीलंका की तरह, तो आप बोलोगे इस सिक्के में श्रीलंका का प्रभाव पाया जा रहा है, मतलब ये सिक्का किसकी तरह है, श्रीलंका की तरह है। तो ऐसे ही ये जो हमें मुद्राएं मिलती है कुनिंदों की इन मुद्रा को हम भारत के अलग अलग राजवंशों से मैच करके देखते हैं, भारत के सिक्के तो मिले हैं ना हमें, तो हम क्या देखेंगे कि अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं वो भारत में किस राजवंश की तरह दिखाई दे रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि इन मुद्राओं में जिन राजाओं का नाम लिखा है वो किस समय के थे, उस समय भारत में क्या चल रहा था। तो इस आधार पर देखा गया कि अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं इन सिक्कों में प्रभाव पाया जा रहा था यूनानी प्रभाव, यानी इनके सिक्के किसकी तरह थे, यूनानियों की तरह थे। अगर प्रश्न पूछता है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में कौन सा प्रभाव पाया जाता था, तो हम कहेंगे यूनानी प्रभाव पाया जाता था। अमोद भूति प्रकार के सिक्कों में इंडो ग्रीक प्रभाव पाया जाता था, यानी इनके सिक्के हिंद यवन शासकों की तरह थे, हिंद यवन प्रभाव, इंडो ग्रीक प्रभाव का मतलब हिंद यवन प्रभाव अमोद भूति प्रकार के सिक्कों में पाया जा रहा था। और छत्रेश्वर प्रकार के जो सिक्के थे इनमें कुषाण प्रभाव पाया जा रहा था, कुषाण प्रभाव। छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में कौन सा प्रभाव पाया जाता है, तो आप कहेंगे कुषाण प्रभाव। अमोद गुति प्रकार के सिक्कों में कौन सा प्रभाव पाया जा रहा था, हिंद यवन। और यूनानी प्रभाव किस में पाया जा रहा था, तब आप कहेंगे अल्मोड़ा प्रभाव, यूनानी, हिंद यवन, कुषाण। यानी कुषाण सत्ता जब भारत में स्थापित रही होगी तो कुषाणों के समय वो राजा राज कर रहे होंगे कुणिंदों के, जिनका नाम छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में है। अमोद भूति किस समय रहा होगा इनका राजा, जब भारत में हिंद यवन शासक पुष्यमित्र सुंग, सुंग वंश, सातवाहन वंश, जब ये वंश चल रहे होंगे उस समय हिंद यवन शासक भारत में आए थे, और हिंद यवन शासकों के समकालीन कौन कुणिंदों का राजा रहा होगा, अमोद भूति। ऐसे ही यूनानी प्रभाव, सबसे पहले कौन आया, यूनानी, हिंद यवन या कुषाण, सबसे पहले कौन आए थे, यूनानी। इस आधार पर अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों को उत्तराखंड के सबसे प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं, ओल्डेस्ट कॉइन्स, सबसे प्राचीनतम सिक्के उत्तराखंड के अंदर किसको माना जाता है, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों को, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों को उत्तराखंड में सबसे प्राचीनतम सिक्का माना जाता है, सबसे प्राचीनतम सिक्के माना जाता है। अब ये जो सारे के सारे सिक्के थे, इन सिक्कों पे कुछ चित्र बने हुए थे। जैसे अमोद भूति प्रकार के सिक्कों पर हमने देखा कि त्रिकोणात्मक ऐसे त्रिभुज बनाया गया, तो इतिहासकार क्या करेंगे, इतिहासकार इस त्रिभुज से कुछ अंदाजा लगाएंगे, वो अंदाजा कुछ भी हो सकता है, कहीं पर नाग बना हुआ था, कहीं पर चैत्य थी, कहीं पर नारी बनी हुई थी, कहीं स्वास्तिक बना हुआ था, कहीं प्रकृति का चित्र बनाया गया था। तो इनमें कुछ चित्र भी बनाए गए हैं, और उन चित्रों के आधार पर भी हमें इस राजवंश को पढ़ना है, पर पहले याद रखना कि इस कुणिंद राजवंश से संबंधित कुछ मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। अब कहानी तो है नहीं भाई यहाँ कि सबसे पहला कौन था, कुणिंद वंश का संस्थापक कौन था, नहीं किसी को नहीं पता, अमोद भूति तो प्रतापी राजा है बस, कुणिंद राजवंश का वसंत देव किसका होगा, तो वसंत देव संस्थापक है कत्यूरी वंश का, कत्यूरी तो आया नहीं अभी। कुणिंद राजवंश का संस्थापक किसी को नहीं पता है, पूरी दुनिया में नहीं पता है, कारण क्या है कि स्रोत नहीं है, हमारे पास सोर्स ही नहीं है, और जब आपके पास सोर्स नहीं है तो फिर आप नहीं कह सकते हो कि इस राजवंश का संस्थापक कौन, या संस्थापक के बाद कौन राजा बना ये भी नहीं पता है, सोर्स ही नहीं है, बस हमें इसके कुछ राजाओं के नाम पता है कि ये यहाँ का राजा था, पर कब था, क्या था, किसके बाद था पता नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरा इतिहास ही मुद्राओं के आधार पर पढ़ रहे हैं। तब एक कहानी बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात, ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, जो सोर्सेज मिले उसके आधार पर एक कहानी बनाते। सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल के दौरान जब पांडव जो है अज्ञातवास के दौरान भटक रहे थे इधर उधर, तो उस समय वो घूमते घूमते, ऐसा उल्लेख आता है महाभारत के वन पर्व में, कि जब महाभारत में पांडवों को वनवास हुआ था, तो वनवास के दौरान वो घूमते घूमते एक स्थान पर पहुंचे, उस स्थान का नाम कहा जाता है श्रीपुर, और कहते हैं श्रीपुर में एक राजा था जिस राजा का नाम लिखा हुआ है कुणिंधाधिपति, क्या लिखा है उधर नाम, कुणिंधाधिपति शुभाहु, ऐसा नाम लिखा है कुणिंधाधिपति शुभाहु। महाभारत में एक उल्लेख आता है कि वन पर्व के दौरान पांडव जब घूम रहे थे, तो घूमते घूमते वो श्रीपुर नाम के एक स्थान पर पहुंचते हैं, और श्रीपुर नामक स्थान पर पहुंच करके वहां उनकी मुलाकात कुणिंधाधिपति सुबाहु से होती है। राजवंश का नाम क्या है, कुणिंद, कुणिंधाधिपति का मतलब क्या होगा, कुणिंदों का अधिपति, मतलब ऑब्वियस बात है ये राजा रहा होगा, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं। और श्रीपुर से पहचान करी गई है श्रीनगर की, श्रीनगर की। तो एक कहानी, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, स्रोत कम है, तो स्रोतों के आधार पर हम एक कहानी बना सकते हैं कि महाभारत काल में कुणिंदों का राजा सुबाहु रहा होगा, और कुणिंदों की राजधानी कहां रहती होगी,
श्रीनगर रहती हुई। सिर्फ एक कहानी मात्र है, कल्पना मात्र है, क्योंकि एक ऐतिहासिक स्रोत हमको लिखा हुआ मिल जाता है, इसके आधार पर हम पहली लाइन लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे? महाभारत काल में संभवतः कुनिंदों की राजधानी श्रीनगर रहा करती होगी और इनका जो राजा था वो सुबाहु हुआ करता होगा। प्रश्न समझना जरा पेपर के लिए कि महाभारत काल में कुनिंद वंश का शासक कौन था। तब आप कहेंगे सुबाहु था। महाभारत में कुनिंदों का अधिपति कौन था? सुबाहु। महाभारत काल में कुनिंदों की राजधानी कहां रहती होगी? तब आप कहेंगे श्रीनगर रहा करती होगी, अंदाजा मात्र है, तो ऐसा उल्लेख मिलता है। तो कहते सुबाहु के यहां पर पांडव काफी दिन तक निवास करते, बाकी कोई ज्यादा उल्लेख नहीं है। इतना ही हमें यहां पे थोड़ा बहुत ही उल्लेख मिलता है राजा सुबाहु के बारे में, ठीक, जब महाभारत काल चल रहा था। महाभारत काल के बाद क्या कहानी हुई किसी को नहीं पता है, हमें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, पता नहीं क्या चलते रहा। इसके बाद जो दूसरा ऐतिहासिक स्रोत मिलता है वो कालसी का अभिलेख है, और कालसी अभिलेख के अलावा दूसरी जो किताब है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र और कालसी अभिलेख में कुनिंदों के बारे में जो बातें लिखी हुई उनको जरा समझना। पहली बात लिखी हुई है अर्थशास्त्र और कालसी में कि जिस स्थान पर यह अभिलेख स्थापित किया जाता है उस स्थान का नाम कालकूट है, और कालकूट कालसी का ही प्राचीन नाम है। अर्थशास्त्र में भी कुनिंदों की जिस राजधानी का उल्लेख किया गया, अच्छा, कालसी अभिलेख अशोक का है, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त ने लिखी है, यानी ये पूरी की पूरी कहानी जो है किस वंश की बात कर रहे हैं हम। पहले तो हमें थोड़ा बहुत ही प्रमाण मिलते हैं महाभारत काल में इनकी राजधानी कहां थी? श्रीनगर। राजा का नाम क्या था? सुबाहु। लेकिन महाभारत काल के बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़े, वैदिक काल आया, कोई प्रमाण नहीं है। वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आया, कोई प्रमाण नहीं है। अब मौर्य वंश में प्रमाण मिल रहा है कि मौर्य वंश में संभवतः इनकी राजधानी कहां रहती होगी? कालकूट रहा करती होगी, और मौर्य वंश के समय पर कुनिंदों की कोई भी मुद्रा नहीं मिली है। ऐसी कोई मुद्रा नहीं मिली है जो कि मौर्यकालीन हो, मौर्यों के समय की हो। और अर्थशास्त्र में एक वाक्या लिखा हुआ है, और अर्थशास्त्र में ना भी लिखा होता तो आपको याद रखना है कि मौर्य वंश के समय भारत का राजा कौन था? अशोक। और जब अशोक राजा था तब भारत का कोई राजा ही नहीं था, उसने पूरे भारत को जीत लिया था, सभी राजाओं को विजित कर लिया था, और जो छोटे मोटे राजा थे वो उसके अधीन ही कार्य करते थे। मतलब पूरे भारत का राजा एक ही था उस समय, अशोक। तो इस आधार पर हम एक दूसरा फैक्ट बना सकते हैं कि जब मौर्य वंश चल रहा था तो मौर्य वंश के समय कुनिंदों की राजधानी कहां स्थापित हो गई थी? कालकूट। और मौर्य वंश के समय, क्योंकि इनके किसी राजा का उल्लेख नहीं आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुनिंदों में इस समय गण शासन प्रचलन में था। गण शासन, गणतंत्रात्मक शासन, एक ऐसा शासन प्रणाली जहां पर पूरे देश का राजा एक ही होता है, इनका अपना कोई राजा नहीं हुआ करता था। तो क्या लिखोगे? मौर्य काल में कुनिंदों की राजधानी संभवतः कालसी या कालकूट हुआ करती थी। मौर्य काल में कुनिंदों की राजधानी संभवतः कालसी या कालकूट हुआ करती थी और इस समय कुनिंदों में गण शासन प्रचलन में था। क्लियर हो गया? पहले महाभारत काल में कुनिंदों के किस राजा का उल्लेख मिलता है? अब गप नहीं मारेंगे अपनी मर्जी से, जितना उल्लेख है उतना ही कह सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ कह नहीं सकते। इतना ही मिला है कि कुनिंदाधिपति सुबाहु के दरबार में पांडवों ने एक आधे दिन निवास किया, तो बस पता चल गया राजा कौन था? सुबाहु, और राजधानी कहां थी? श्रीनगर। और मौर्य वंश को अगर हम देखें तो मौर्य वंश में अभिलेख कालसी में ही क्यों स्थापित किया गया था? सब कुछ तो होगा ना वहां पे इंपोर्टेंट, तो अंदाजा लगाया गया कि कालसी में अभिलेख है, तो शायद इनकी राजधानी ही कालसी रहती होगी। किसी राजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है तो शायद गण शासन ही रहा होगा। गण शासन मतलब कोई राजा नहीं, सबका राजा एक है, भारत वाला राजा, ठीक। अब आओ तीसरे कालखंड पर, जिसको नाम दिया जाता है मौर्योत्तर काल। मौर्यों के पश्चात जितने भी कुनिंद राजाओं के नाम हमें पता है वो सभी के सभी राजा मौर्योत्तर काल के हैं, चाहे शुंग वंश का हो, चाहे सातवाहन का हो, चाहे वो इंडो ग्रीक का हो, चाहे कुषाण वंश हो, सभी के सभी मौर्योत्तर काल में काउंट होंगे। और मौर्योत्तर काल में ही इन राजाओं की सबसे ज्यादा मुद्राएं प्राप्त होती है। मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा जो मुद्राएं इनकी प्राप्त होती है वह शत्रुघ्न नगर से प्राप्त होती है, और शत्रुघ्न नगर की पहचान जनरली जौनसार से लेके और सारनपुर के बीच अलग अलग स्थानों से करते रहते हैं लोग। तो क्या लिखोगे? मौर्योत्तर काल में कु
कुनिंदों की राजधानी शत्रुघ्न नगर का उल्लेख किया गया है, शत्रुघ्न नगर, और यही इनकी सबसे प्रसिद्ध राजधानी भी मानी जाएगी। अगर कभी प्रश्न आए कालसी कुनिंद राजवंश की राजधानी कहां थी और ऑप्शन तीनों दे दिए और ये ना बताए कब, तो आंसर देंगे शत्रुघ्न नगर, क्योंकि इसी समय के कुनिंद राजाओं की हमारे पास सबसे ज्यादा मुद्राएं हैं। सबसे ज्यादा जो मुद्राएं हैं कुनिंद राजाओं की वो इसी समय की है, मौर्योत्तर काल की। तो मौर्योत्तर काल में संभवतः कुनिंद राजाओं की राजधानी शत्रुघ्न नगर हुआ करती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्के इसी टाइम पे मिलते हैं। तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि मौर्योत्तर काल में कुनिंद राजा स्वतंत्र हो गए थे, जैसे पहले तो अशोक के अधीन थे, अब शायद वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए थे, इसलिए लिखना मौर्योत्तर काल में संभवतः कुनिंदों की राजधानी शत्रुघ्न नगर हुआ करती थी, संभवतः इनकी राजधानी शत्रुघ्न नगर हुआ करती थी। और मौर्योत्तर काल के कुनिंद राजाओं के शासन काल को ही कुनिंदों का स्वर्णिम काल कहते हैं। कुनिंदों का स्वर्णिम काल किस शासन काल को कहते हैं, तो आप कहेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्यों के पतन के बाद ही कुनिंद शक्ति जो है वो वास्तविक रूप से बाहर निकल करके आए, वास्तविक रूप से कुनिंदोत्तर काल को, कुनिंदोत्तर नहीं मौर्योत्तर काल को, जो मौर्योत्तर काल था इसी मौर्योत्तर काल को ही कुनिंदों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। यानी मौर्यों के पतन के बाद ही वास्तविक रूप से ऐसा हो सकता है कि कुनिंद राजा लोग अपनी सत्ता में आए होंगे, अपनी पावर में आए होंगे, तो कुनिंदों के मौर्योत्तर काल को ही कुनिंदों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक, कुनिंदों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कुनिंद राजाओं के कुछ नाम मिलते हैं भाई हमें मुद्राओं से, बस नॉर्मली याद रखना है इन राजाओं के नाम, कुनिंद राजाओं के नाम जो मुद्राओं से प्राप्त होते हैं। ऐसे राजाओं में नाम लिखा हुआ है किसी मुद्रा पर विषदेव, तो राजा ही रहा होगा विषदेव, हाँ खतरनाक नाम है विषदेव। विषदेव के बाद दूसरा जो नाम लिखा है वो है अग्रराज, पर इसका मतलब ये नहीं कि विषदेव के बाद अग्रराज राजा बना, ये नाम है बस विषदेव अग्रराज, कुछ कुनिंद राजाओं के नाम है। धनभूति, अमोदभूति, भानु, रावण, रावण भी है राजा है, रा होगा कोई रावण। तो ये कुनिंद राजाओं के जो नाम है इन राजाओं के नाम को थोड़ा सा याद रखना, एक धनभूति अमोदभूति के साथ बलभूति भी है। विषदेव, अग्रराज, बलभूति, अमोदभूति, भानु, रावण, इस प्रकार के कुछ राजाओं के नाम जो है हमें कुनिंदों की मुद्राओं से प्राप्त होते हैं। ये कुनिंद राजा थे अलग अलग टाइम पे, कब कौन था कब क्या था, विषदेव, अग्रराज, बलभूति, धनभूति, अमोदभूति, भानु, रावण, ये कुछ कुनिंद राजाओं के नाम है। हमें नहीं पता कौन कब का था। अच्छा सुनो, तो धनभूति और बलभूति आपस में कुछ लगते होंगे, कुछ भी चाचा ताऊ भाई बहन कुछ ऐसा हो सकता है ना बाई चांस। भूति भूति और अमोद भूति, तो भूति 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 चल रहा है तो चलो ठीक ठाक, लेकिन अमोद भी, अमोद भूति के चाचा का लड़का भानु था, ऐसा मैच नहीं हो रहा ना, भानु और अमोद भूति और रावण और अग्रराज और विषदेव, तो अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि राजशाही स्थापित हो गई थी नहीं हुई थी, राजा का पद वंशानुगत था या नहीं था कुछ पता नहीं लग रहा है, अंदाजा नहीं लग रहा है। कहीं कहीं पर तो लग भी रहा है, लेकिन क्या राजा का बेटा ही राजा बनता था, प्रमाण नहीं, प्रमाण नहीं है तो फिर इतिहास खोलेंगे भी नहीं, हमें नहीं पता। पर जितनी चीजें मिली है उनके आधार पर देखो क्या क्या चीजें आप उदाहरण ले सकते, कि कुनिंद राजाओं की जो मुद्राएं थी इनकी मुद्राओं की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इनकी मुद्राओं में दो लिपियों का प्रयोग किया गया था, द्विलिपीय मुद्राएं। एक खासियत क्या थी इनकी मुद्राओं की, कि इनकी कुछ मुद्राएं ऐसी है जो द्विलिपीय है, मतलब दो लिपियों में वहां पर चीजों को लिखा गया, द्विलिपीय मुद्राएं इनकी हुआ करती। अब ये द्विलिपीय का कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझना। अब आज के टाइम आपके भारत में जो नोट छपता है उस नोट पे ऐसा लिखा होता है एक, और ऐसा करके चिन्ह बनाते रुपया है ना ऐसा, तो ये तो चलो जब अंग्रेज आ गए तो उसके बाद हमारी करेंसी थोड़ा सा चेंज कर दी उन्होंने, ऐसा नियम लगा दिया। अगर शुद्ध विशुद्ध भारतीय नोट होता ये तो पक्की बात है ना कि एक की जगह पर यहां पर मान लो 8 रुपए का नोट होता ना या 9 रुपए का नोट होता तो ऐसा लिखा होता ना, अगर विशुद्ध भारतीय होता तो ऐसा लिखा होता 9 रुपया, और पहले के जो सिक्के देखोगे तुम तो ऐसा लिखा होता था 9 रुपया, तभी तो गांव में रुपया बोलते इसको, रुपया माने वास्तव में रुपया ही होता था ना, तो 9 रुपया ऐसा लिखा होता था। और यहां पर एक बना है गांधी भाई साइड में ना, अगर किसी नोट में गांधी भाई नहीं है तो चला लोगे उसको, कोई तुमको दे दे बाकी सब है 1 रुपया लिखा हुआ सब कुछ है गांधी भाई नहीं है तो ले लोगे, नहीं लोगे ना, गांधी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और गांधी है और बाकी कुछ नहीं है। एक पिक्चर देख रहा था मैं, पीके पिक्चर, तो वो गांधी की फोटो इकट्ठा करता बहुत सारी,
और देते रहता उसको गांधी का, बोले इसका क्या करेंगे हम, मतलब नोट में लिखा हुआ भी होना चाहिए 9 रुपया और गांधी का फोटो भी होना चाहिए। अब गांधी का फोटो वाला ये जो 9 रुपया, चलो मान लो 9 रुपया नहीं है, 90 रुपया एक सिक्का है और जिसपे लिखा हुआ है 90 रुपया, और मैं फंस गया बाई चांस से अमेरिका में, और अमेरिका में मैं फंस गया और मेरे को चाहिए वहां टॉफी खानी है, बस 1 रुपया की टॉफी खानी है मैंने बस, और 1 रुपया की टॉफी के लिए मैंने वहां के दुकानदार को दे दिए 90 रुपया, भाई ले तो चलेगा क्या वहां पे? नहीं चलेगा ना, वो बोलेगा कि हमारा गांधी लाओ पहले, पहले यहाँ पे ये इसको मिटाओ और हमारा गांधी लाओ, और ये क्या है कितना लिख रखा, अंग्रेज वाले को थोड़ा समझ आएगा, बोले भाई जी 90 ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसा लिखते हैं 90 है ना। अगर सहूलियत के लिए मैंने ये कर दिया कि इस पे ऊपर लिखा है 90 रुपया और नीचे मैंने इसी के कर दिया $90 ऐसा, और ऊपर बना दिया अपना गांधी, नीचे बना दिया उनका गांधी, बाई चांस की बात है। आज की बात आरबीआई उरबाई छोड़ो, आरबीआई की बात नहीं है आज, आरबीआई की बात ही नहीं हो रही है आज, बात हो रही है बहुत पुराने जमाने की है ना, इस टाइम होता आरबीआई, इस टाइम तो आरबीआई का मतलब ही नहीं है। अब मैं उस आदमी के पास ले जाऊं, भाई अब चला दे यार जरा इसको, तो क्या अब चला सकता है वो? अगर अमेरिका के किसी आदमी के पास हम जाए और सिर्फ हमारी भाषा में कुछ लिखा है 90 रुपया, तो उसको समझ नहीं आ रहा है, और अब मैंने दोनों भाषाओं में लिख दिया, तब वो बोलेगा ना चलो ठीक है $90 अपना गांधी, चल रख दे यार बाद में देखेंगे, जो भी विवाद होगा वो बात की बात। तो अब ये सिक्का भारत में चलेगा कि अमेरिका में? दोनों जगह चलेगा ना, नहीं चलेगा आज के हिसाब से नहीं चलेगा, पर पहले के हिसाब से क्या करना था, कुछ भी नहीं था, तो भाई उसको भी समझ आ रहा है, इसके भी समझ आ रहा है। तो इनकी मुद्राओं में दो दो लिपियों का प्रयोग किया गया, दो दो लिपि मतलब डॉलर भी लिखा है और रुपया भी लिखा हुआ है, दो दो चीजें, ऐसा संभवता क्यों हो सकता है, एक प्रश्न ये दिमाग में रखना। और दूसरा प्रश्न, इस राजवंश की सबसे ज्यादा हमें मिलती क्या है? मुद्राएं। और किसी राजवंश की अगर आपको मुद्राएं ज्यादा प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो लोग व्यापार प्रधान जन ज्यादा होते होंगे। जैसे कत्यूरी है तो कत्यूरियों का एक भी सिक्का नहीं मिला, तो कचूरियों के बारे में हम कहते हैं वो व्यापार प्रधान थे ही नहीं, वो कृषि करते थे, क्योंकि उनके सिक्के ही नहीं मिलते और इनके सिक्के ही मिल रहे हैं, बाकी चीजें नहीं मिल रहे हैं। तो इस आधार पर कुणिंदों के बारे में कुछ रिजल्ट बना रहे हैं। पहला रिजल्ट लिखना, कुणिंद राजवंश के लोग व्यापार प्रधान जन हुआ करते थे, कुणिंद राजा व्यापार प्रधान हुआ करते थे, व्यापार प्रधान जन हुआ करते थे। कुणिंद राजवंश के जो राजा थे वो किस प्रकार के होते थे? व्यापार प्रधान, यानी कुणिंदों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप कहेंगे कुणिंदों का मुख्य व्यवसाय व्यापार हुआ करता था, ये व्यापार प्रधान जन हुआ करते थे। जिस प्रकार के चित्र इन्होंने बनाए हुए हैं, अच्छा जिस प्रकार के चित्र तो बात की बात है, लेकिन मुद्राएं कैसी थी? द्विलिपिया, दो लिपियों में लिखा हुआ था। तो भारत भारत में अगर आपको ट्रेड करना है तो एक लिपि से काम चल जाएगा, लेकिन भारत अमेरिका में ट्रेड करना है तब दो लिपियां चाहिए होंगी। व्यापार प्रधान जन थे, और क्योंकि इनकी मुद्राओं में दो लिपियों का प्रयोग किया गया था, इस आधार पर हम कहते हैं कि संभवतः यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब अपने देश की सीमा को छोड़ के दूसरे देश जाकर के व्यापार करते रहे होंगे, इसलिए संभवतः कुणिंद राजवंश के जो राजा लोग थे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते रहे होंगे, अंदाजा मात्र है। जो मूर्तियां इनकी मिल रही है, सॉरी जो मुद्राएं इनकी मिल रही है, उन मुद्राओं पर जो चित्र बने हुए, अब चित्र क्या बना रखा है? नाग का चित्र, चैत्य का चित्र, स्वास्तिक का चित्र, कहीं पर प्रकृति का चित्र, कहीं पर भी छत्रेश्वर प्रकार के चित्रों को छोड़ दो, छत्रेश्वर प्रकार के जो चित्र है ना, वहां पे उन्होंने एक ऐसा चित्र बनाया, देखो कैसा, जो छत्रेश्वर प्रकार के चित्र है ऐसा बनाया, ऐसा बना। मेरी चित्रकला मैंने पहले ही बता रखा, खत्म है, ऐसे बना, कौन है ये? हाँ शिव जी, ठीक बोले भाई ने, ठीक बोला शिव जी, ये है शिव जी, ऐसा एक चित्र बना रखा है। और एक किताब लिखी गई एंशियंट कॉइन्स ऑफ इंडिया, एलन ने एक किताब लिखी है एंशियंट कॉइन्स ऑफ इंडिया, और एंशियंट कॉइन्स ऑफ इंडिया में एलन ने कहा कि छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं उन पर बनाया गया चित्र शिव का है। गप है कि सच है तुम्हारे हिसाब से? गप है ना, पक्की बात है, कार्की जी को पता है गप है। कारण क्या है बताओ? कि सच बताना, देखो अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, तुमने शिव जी देखा कभी? तुमने जो शिव जी का है ना, तुमने देखा शिव जी? नहीं देखा, हाँ मतलब फोटो ही देखी नॉर्मली। अब दुकान वाला आपको बोल रहा, लो जी शिव जी की फोटो, लो शिव जी की फोटो, हम ले लेते हैं शिव जी की फोटो। तुम्हारे घर में शिव जी की जो फोटो है और हमारे घर में जो शिव जी की फोटो, मैचिंग होगी या नहीं होगी? ना तुम्हारे घर का शिव जी हो सकता है स्मार्ट हो थोड़ा, हमारे वाला ना हो, हमें नहीं पता कि शिव जी कैसा है। शिव जी का एक पहचान, एक झटके में पहचान लेगा, गला में ऐसा है ना, सांप गले में है, तो अंदाजा लगा देंगे शिव की ही मूर्ति रही होगी। क्या पता कोई मदारी हो ऐसे ही खेल रहा हो, बोले यार भाई एक फोटो खींच ले। अभी अगर कल को सच बताओ, झूठ मत बोला, मैं माथा पर 3 ऐसा वाला ला दूं, एक ला दूं डमरू, हाथ पे त्रिशूल और गले में लटका दूं सांप, तो मेरे को शिवजी बोलोगे कि गुरुजी बोलोगे? मेरे को तो गुरुजी बोलोगे ना, गुरुजी है, शिवजी बना हुआ है वो बात अलग है, पर शिवजी थोड़ी हो ना मैं,
तो ये जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं, इन चित्रों की वास्तविकता क्या होती है हमें भी नहीं पता है। सिर्फ गले में एक सांप लटका हुआ है, उस आधार पर एलन ने कहा कि यह चित्र शिव का है, शिव का। कहीं पर अगर साइड में लिखना चाहो तो लिख लेना, एलन ने, एलन एक राइटर है, एलन, एलन ने छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को शिव का स्थानक रूप कहा है, शिव का स्थानक रूप। उसका गैस मात्र है, क्योंकि एक चित्र उसको वहां पर मिल गया था जो शिवजी का बनाया हुआ था, उसको लगा कि शिवजी का है, शिवजी पक्का थोड़ी कि शिवजी। एलन ने एंशियंट कॉइन्स ऑफ इंडिया लिखी है एलन ने, और एलन ने छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को शिव का स्थानक रूप माना है, शिव का स्थानक रूप माना है, शिव का स्थानक रूप माना है, शिव का स्थानक रूप माना है। किसने? एलन ने, एलन ने छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को शिव का स्थानक रूप माना है। तो चलो, खैर पॉइंट हमारा वो नहीं है, चित्र कोई सा भी मिल जाए, बस गैस किया है, उसने कहा है शिवजी है, क्या पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर जो चित्र इनके हमें प्राप्त हुए उस चित्र में देवी देवताओं के चित्र नहीं है। इसको अगर छोड़ दे तो इस आधार पर कह रहे हैं कुणिंद राजवंश के राजा प्रकृति पूजक होते थे, इस राजवंश के जो राजा लोग हैं वह प्रकृति पूजक होते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, नाग का चित्र बनाना, दैत्य का चित्र बनाना, स्वास्तिक का चित्र बनाना, इस आधार पर कहा जाता है कि ये कुणिंद राजवंश के जो राजा लोग थे वो प्रकृति पूजक होते थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। तब राजधानी कहाँ गई? कालसी। उसके बाद राजधानी कहाँ गई? शत्रुघ्न नगर, जो संभवतः या तो जौनसार होगा या सहारनपुर होगा। और बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं के इतिहास में लिखा है कि अंतिम समय में ये राजा लोग बेहट चले गए थे, तो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा कुणिंदों की एक अंतिम राजधानी का भी उल्लेख किया गया, जिसको नाम बेहट दिया गया। तो बेहट भी संभवतः इनकी राजधानी हो, लेकिन प्रमाण कुछ भी नहीं, पता कुछ भी नहीं, पता सिर्फ ये है कि सबसे प्रतापी राजा शायद अमोदभूति रहता होगा, कारण उसकी मुद्राएं बहुत अच्छी मिलती है। तो प्रारंभ में राज करने वाला जो वंश उत्तराखंड पर हुआ उसको क्या नाम देते? कुणिंद राजवंश। अब ये कुणिंद कैसे करके खत्म हुआ इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुणिंदों के समकालीन वंश, इसको करते कल, ठीक।